Okay, yes, definitely. Okay, this is on. Hey everyone, very good evening. Welcome to Wi-Fi Study, India's number one study channel. मैं हूं आपके साथ साहिल अरोड़ा और आज हम करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स, यानी कि पूरे हफ्ते में जो भी न्यूज में हुआ है, जो भी पिक्चर घूमी है कहीं भी, और हम उसे पूरा एक साथ आज करेंगे. कैसे करेंगे? पूरा एक साथ करेंगे. पेन में क्या इशू आ गया था. ओके, सो पूरे हफ्ते के करंट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो कि हमारी डेट होगी. डेट आप देख सकते हो 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक. तो ये एक ही क्लास में आज हम कवर करेंगे, इसीलिए आज मैंने आपका टाइम 6 बजे रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें दो क्लासेस लेनी पड़ गई थी इस पे, और मैं नहीं चाहता कि आपका फ्लो टूटे एक हफ्ते में. और इस क्लास के बाद आप गारंटी कह सकते हो कि सर हमें किसी मैगजीन की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे पूरा हो गया. अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा फोकस यूपीएससी पे है, मैं और किसी एग्जाम को परस्पेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूपीएससी. यूपीएससी वाले जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है. जो मजाक कर रहे हैं तो भैया मजाक हो जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी. जो मेरी कोशिश है जल्दी जल्दी फ्री हूँ आप भी और मैं भी. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज बताऊंगा अनअकैडमी के प्लस लेने के सब्सक्रिप्शन के फायदे, यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स हैं. यार बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप साहिल सर को लोगे तो केवल साहिल सर ही मिलेंगे. नहीं, अगर आप जैसे मेरा नाम यानी कि साहिल वन कोड से लेते हो तो आप मेरी गाइडेंस में भले ही आओगे, मेरी गाइडेंस में आओगे, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा नोट से लेके हर एक चीज का. लेकिन आपके लिए प्लस के जितने भी फैकल्टीज हैं सबकी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, आप किसी की भी देख सकते हो. तो जरूरी नहीं है उसके लिए आपका हिस्ट्री ऑप्शन होना चाहिए या कोई और सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको पसंद है, मतलब सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी. तो प्लस के ये बेनिफिट्स हैं. लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज जो कि बहुत जरूरी है. बहुत से बच्चे पूछते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज लूं, कहाँ की लूं. अनअकैडमी 500 टेस्ट सीरीज से ज्यादा चल रही है और वो सारी फ्री चलेंगी प्लस लेने के बाद. तो ऑलमोस्ट आपको पता ही, ये समझ में ही आ जाएगा यार मेरे को हर जगह भागने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह है. डाउट क्लियरिंग सेशंस, कल भी मैंने एक डाउट क्लियरिंग सेशन लिया था अनअकैडमी में, जो कि काफी ज्यादा हेल्दी था, काफी देर चला और काफी क्वेश्चन आए. आई थिंक मैंने 130 कुछ क्वेश्चन के आंसर करे होंगे, मैं पागल हो गया था. तो इतने सारी चीजें हैं आपके माइंड में जो डाउट्स होता है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इन सब चीजों के सॉल्यूशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव क्लासेस हमें मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस अगर ऑप्शनल स्टार्ट हुआ है तो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तक जाएगा ही जाएगा, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना. प्रिपरेशन एजुकेशन आपको खुद कराएंगे, आपके घर तक रहेंगे पीडीएफ, टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर गाइडेंस, ये सारे बेनिफिट्स आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे. उसके लिए आपको करना क्या है, अपने फोन में अनअकैडमी को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल पे जाओ. वहां पे जाके प्लस पे जाएंगे आप अपना प्रोफाइल बनाने के बाद. प्लस पे जाने के बाद आपसे यूपीएससी सेलेक्ट करना है, देन सब्सक्राइब करना है. और सब्सक्राइब करने के लिए वो कुछ पैसे मांगेगा, तो इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, जो कि बहुत कम है, ठीक है ना. ये आपके मंथली पिज्जा के खर्चे से भी कम है. और अगर साहिल का नाम यानी कि मेरा नाम लेके यूज करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा 10% का, और उससे भी ज्यादा मेरी प्रॉपर गाइडेंस. मैं आपके साथ चलूंगा पूरी जर्नी में, आपके साथ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, छोटी से छोटी चीजों में आप लोगों की हेल्प करता हुआ चलो. मैं अभी भी कर रहा हूँ वैसे. नहीं भी करोगे तो भी करो, ठीक है. मैं, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा हमेशा मानना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जितने लोगों का हो जाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे मैं पॉजिटिव देखता हूँ. चलो स्टार्ट करते हैं. आज क्लास के पहले पेज पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. आप कहोगे सर ये लास्ट टाइम भी थे. यस, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है. ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसे रटेंगे, आप इसे लर्न करेंगे. आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, मुझे फर्क नहीं है. आपको याद करना है पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है. गरीबी नहीं, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, या अभी एजुकेशन के ऊपर एक पॉइंट आने वाला है आगे, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एक पॉइंट आने वाला है, क्लीन सैनिटेशन के ऊपर एक पॉइंट आने वाला है. यानी कि हम जो पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स आएंगे. तो आप लोग मेरे को उसी वक्त बताएंगे कि सब ये वाला इस वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट है. ये आपको करना है. वेरी गुड इवनिंग शिवानी, वेरी गुड इवनिंग ऋषभ, अंशिका, बाहुबली. बाहुबली यहाँ पे दोबारा है रिवीजन के लिए, इतना प्यार है बाहुबली, तो मेरे घर आ जा. सर कृपया आपका करंट हिंदी में उपलब्ध करा दीजिए. यार बाहुबली ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं एक दिन में कंटेंट बना रहा हूँ वो तो बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है मेरे लिए. तुम लोगों ने एडिटोरियल की रेस में और लगा दिया मेरे को. चलो हिंदी में मैं आपको एक बाहुबली आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना, कान में पर्सनल वाला. ओके, सब आज की हमारी पहली न्यूज है राष्ट्रीय गोकुल मिशन. हमें पता है हमारे इंडिया में गायों पे ज्यादा फोकस किया जाता है इंसानों से ज्यादा,
तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये है क्या? देखो, न्यूज़पेपर में यह आया था कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने एक इनॉग्रेशन किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक सीमेन स्टेशन का। सीमेन स्टेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म सेंटर। स्पर्म यानी कि विकी डोनर मूवी देखी थी ना, स्पर्म डोनर था वो, विकी डोनर यानी कि हमारे गाय भैंसों को विकी डोनर टाइप बना दिया, उनका स्पर्म संभाल के रखा जाएगा जिससे वो आईवीएफ करेंगे, इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक मेल सांड या गाय या भैंस जो भी होती है उसका स्पर्म ले जाके एक फीमेल में यूज करके पैदा कराएंगे एक नया गाय, जिससे क्या होगा, जो हमारी इंडिजीनियस है, जो हमारे देश की गाय है, वो देसी ही रहेंगी, विदेशी नहीं बनेंगी, यानी कि हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहाँ पर हुआ है? पूर्णिया, बिहार। तो पहली चीज तो बेसिक फैक्ट है, हमें याद होना चाहिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये लैब स्टेब्लिश कहाँ पे हो रही है? एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना। अगेन बेसिक फैक्ट है, याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है? एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तीन चार पॉइंट्स देखे। नाउ कम टू द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये है क्या? हमारी गवर्नमेंट ने 2014 में इसे लॉन्च किया था। कितने पैसे लगाए हमें मतलब नहीं है। काम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड। सिर्फ इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है, यानी कि जो हमारे यहाँ की देसी गाय है, देसी ब्रीड्स हैं, उनको कंजर्व रखना, उनको संभाल के रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, जिंदा रखना, ये सारी चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती हैं। क्यों क्यों? क्योंकि जो बाहर की गाय है, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, कहा जाता है कि यहाँ की गाय खाने में मांस मच्छी खाती है, यानी कि मीट खाती है। अब मीट खा के दूध देगी? सीरियसली, इंडियंस पियेंगे? चांस ही नहीं है। हम इंडियंस कितने ज्यादा रिलीजियस हैं, कितने ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं, हमें भी पता है। तो ये पिक्चर हमारे यहाँ नहीं बनेगी, इसीलिए हम वहां से नहीं मंगवा सकते। और अगर हम चाहते हैं कि हमें भविष्य में इनसे मंगवाने की आवश्यकता ना पड़े, तो हमें अपने देश की ही जो इंडिजीनियस गाय हैं उनका भला करना होगा। हमारे यहाँ कुछ कुछ फेमस गाय हैं, बिल्कुल है, गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी, थारपारकर, और मेरे नाम के पीछे जो छुप रही है, पहले देख लेता हूँ कौन सी है, वो होगी रेड सिंधी। यानी कि आपके लिए ये होमवर्क है, यानी कि मेरी वीडियो के बाद आप इसे गूगल करोगे कि ये कहाँ मिलती है। आप कहोगे अभी बता देते, नहीं मैं बता देता तो तुम भूल जाओगे, तुम इसे खुद पढ़ोगे कि ये कहाँ पे मिलती हैं, और मिलने के बाद तुम इनकी फोटो देखोगे, फोटो देखना तो मेरी आंखों में छप जाएगी, ताकि तुम कहीं रोड पे देखो तुम पहचान लो ये कौन सी है। और जो मेरी फोटो के पीछे दो गाय का नाम छुप रहा है उनका लिख देता हूं मैं, पहला है थार पारकर, थार पारकर, और दूसरा जो नाम है वो है रेड सिंधी, रेड सिंधी। ठीक है, सो ये दोनों, यानी कि जितनी भी मैंने ब्रीड्स के नाम लिखे हैं आपको पता होना चाहिए। अभी ऊपर देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, यानी कि मकसद क्या है। मैं बता चुका, कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स, यानी कि जो हमारी देसी गाय हैं, देसी ब्रीड्स हैं, उनको संभाल के रखना है, उनको जेनेटिकली, उनके जीन्स को खराब नहीं होने देना है, यानी कि प्योर रखना है। अगर एक गाय किसी विदेशी गाय के साथ सेक्स करके संबंध बनाए, संबंध का मतलब वैसा वाला संबंध नहीं, संबंध का मतलब है इन द सेंस कि बच्चा प्रोड्यूस करे, तो भैया उसके जीन्स खराब हो जाएंगे। तो हमें जीन्स मेकअप रखना है जो कि प्योर रखना है, ओवरऑल साधारण भाषा में यार अपनी देसी गायों को बचा के रखना है, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, फालतू के पॉइंट्स है। ठीक है, इसके अंदर इस मिशन के अंदर सरकार ने कहा हम गोकुल ग्राम बनाएंगे। गोकुल ग्राम क्या होता है? ये जेठालाल वाला नहीं है कि एक जेठालाल और एक बबीता जी होगी, ये गोकुल ग्राम है, गोकुल धाम नहीं है। गोकुल ग्राम क्या है कि एक तबेला टाइप बनाया जाएगा जिसमें गायों को अच्छे से रखा जाएगा, बड़े बड़े तबेले बनेंगे जिसमें गायों के लिए सब कुछ होगा, उसके अंदर गायों का हॉस्पिटल होगा, चारे के लिए सब कुछ होगा, मतलब एक गायों का चलता फिरता मॉल, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। तो 21 बनवाने की सरकार ने सोची, अब तक 4 बनवा चुके हैं, कहां पे? वाराणसी, मथुरा, पटियाला, भोपाल। ठीक है, 17 अभी प्रोसेस में, यानी कि 4 बनवा चुके हैं, चारों आपको पता होना चाहिए, 21 बनने हैं। ये गायों के नाम मैंने आपको बताया, इसे आपको गूगल करना है, और टारगेट क्या है ये देख लिया। आगे चलते हैं, सेकेंड है हमारा ई गोपाला मिशन। अब ये ई गोपाला ऐप क्या है, या ई गोपाला मिशन क्या है? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम था ई गोपाला। देखो हमारे पीएम जो जो चीजें लॉन्च करते हैं ना, वो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीएम है भाई। ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स। देखो फार्मर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो फार्मर्स, फार्मर सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा वो बंदा जो हल लेके बिल्कुल पतला सूखा सा खेत में लगा पड़ा है, वो
ठीक है, आपके अनुसार वाला। और एक हमारा फार्मर होता है वो जो साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करता है, जिसके आसपास तबेले हों, गाय घोड़े भैंस पालता हो, उनके लिए भी। तो यहाँ पे सरकार ये कोशिश कर रही है उनके जो ये गाय घोड़े वाले हैं इसका डेवलपमेंट किया जा सके, तो एक ऐप बनाया है। अब ये ऐप किसान कैसे यूज करेंगे ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतना ही पता है किसानों के पास एप्पल आईफोन नहीं होते हैं और किसान बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि फोन चला लें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं नहीं वो ऐप चलाएंगे अपने फोन में, यही ऐप तो डाउनलोड करेंगे, वो लूडो डाउनलोड नहीं करेंगे, वो यूट्यूब डाउनलोड नहीं करेंगे, व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं करेंगे, वो ई गोपाला ऐप डाउनलोड करेंगे। चलो, तो ये क्या है, ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है कंट्री का, फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारे देश का किसानों के लिए, फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक, फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्या बोल दिया आपने, अरे सुन नहीं पाया, लिंक शेयर करने लग गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाहुबली, मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा हिंदी मीडियम वाला, एक सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो लाइव स्टॉक को मैनेज करने के लिए, लाइक बाइंग और सेलिंग ऑफ डिजीज फ्री जर्म प्लाज्म, यानी कि जो खाने के लिए चीजें लाते हैं, जर्म सेल लाते हैं जो जानवरों के लिए होते हैं या उसके लिए होते हैं, वो ऐसा लिया जाए जिसमें किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, ये सारी चीजें। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विस, यानी कि क्वालिटी, एक क्वालिटी ब्रीडिंग मतलब एक ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी जो परफेक्ट होगी, ब्रांडेड। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, यानी कि स्पर्म को अंदर डाला जाएगा आर्टिफिशियली, वही वाला पहले जैसा पॉइंट है। डॉक्टर्स होंगे वेटनरी, यानी डॉक्टर की जो जानवरों की फर्स्ट एड होती है वो होगी, वैक्सीनेशन होगी जानवरों की, ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी इस ऐप के थ्रू। यानी कि इस ऐप के थ्रू किसान देख सकता है कि मेरे को अपनी गाय भैंस के लिए कहाँ 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 जाना है। ठीक है, और क्या है, फार्मर्स को बताया जाएगा कि जानवरों को क्या खिलाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, हस्त पुष्ट रहें, एनिमल को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, यानी कि अगर आपके पास ये वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये ऐप किसका पार्ट है, लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ पीएम मत्स्य संपद योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे मत्स्य संपद योजना मैं कहां से पढ़ूं, तो मैंने यही डाल दिया आपके लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। आप मेरी वीडियो सुन के आपको लग रहा होगा यार ये कंटेंट बहुत सारा है, याद नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। देखो, एक पहली चीज, अगर हम 1.5 घंटे में पूरे हफ्ते को निपटा लेते हैं तो ये ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटे को। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रेगुलर को यूट्यूब वीडियो भी देखोगे, तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा रोज। अगर 1.5 हफ्ते में पूरे हफ्ते करंट अफेयर्स कर रहे हैं, मोर देन इनफ है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीजें याद कैसे होंगी, अगर आप मेरे को सुन रहे हो और आपको लग रहा है मैं अरिजीत सिंह की तरह गाना सुना रहा हूँ, अच्छा चलता हूँ दुआओं में, याद रखना, तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो ये याद होना मुश्किल है, आपको इसकी 3 रीडिंग करनी है, ठीक है ना, 3 रीडिंग। तो ये मेरा आप, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, एक डेयर देता हूँ आपको, कि आपको 30 सितंबर तक जितनी भी वीडियोज आएंगी मेरी करंट्स की, उसको एटलीस्ट 3 बार रीड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और 3 बार रीड करने के बाद फिर आप मुझे खुद ही बता दोगे सर याद हो चुका है। चलो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर फिशरीज सेक्टर। फिशरीज, देखो हमारे यहाँ फिशरीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है लास्ट कुछ ईयर से, कारण है हमारे यहाँ के किसान परेशान है। हम देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान रिजर्वेशन मांग रहा है, ठीक है ना, किसान रिजर्वेशन मांग रहा है गुजरात हरियाणा में, किसान सुसाइड कर रहा है, किसान के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि किसानों में अब वो फायदा नहीं बचा है एग्रीकल्चर में, वो लोग इतना कमा नहीं पा रहे, तो उनके, हम लोग उन्हें एक एक्स्ट्रा कमाई दें, एग्रीकल्चर खत्म ना करें, एक्स्ट्रा कमाई दें, वो हम फिशरीज सेक्टर से देंगे। सरकार क्या कर रही है, जगह जगह बड़े बड़े पॉन्ड्स बना रही है, पॉन्ड्स मतलब तालाब, ठीक है ना, तालाब बना रही है, और उसके अंदर मछलियां पालने के लिए टेंडर देती है, जैसे किसी के खरीद लिया फिर उसके अंदर मछली पालन हो रहा है, उससे बेचा जा रहा है, उसकी कमाई हो रही है। एक जमाना था जब मछलियां हमारे इंडिया में केवल वेस्ट बंगाल साइड में खाई जाती थी या कोस्टल एरियाज में खाई जाती थी, लेकिन आज जैसे जैसे जिम का क्रेज बढ़ा है, जैसे जैसे न्यूट्रिशन और प्रोटीन का क्रेज बढ़ा है, फिश यानी कि मछली की खपत भी बढ़ गई है, यानी कि इसका खान पान भी बढ़ गया है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए फिशरीज सेक्टर में किया जा रहा है। मेरे आगे क्वेश्चन है, सर मैं प्राइवेट कर रही हूँ, कल मैं एग्जाम के लिए गई तो वहाँ टीचर बोल रहे थे कि प्राइवेट से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं,
ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है? फालतू की चीज है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है शिवानी। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स, इवन यूपीएससी के लिए बताओ क्या चाहिए, सिर्फ 33% आपके 12th में और 33% ही आपके ग्रेजुएशन में, दैट्स इट। वो ग्रेजुएशन हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कहीं से भी हो, इससे बेहतरीन चीज यूपीएससी में कुछ नहीं हो सकती कि आपके लिए किसी भी तरीके की बंदिश नहीं है। तो ये सारी फालतू की चीजें हैं कि आप ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, परसेंटेज इतने चाहिए। तो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। ओके, ये स्कीम हमारी कब अनाउंस हुई? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दी इसी साल बजट की स्पीच में, तो इसकी लॉन्च डेट हम देख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि अब इंडिया को प्रथम स्थान पर लाएंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर लाएंगे फिश प्रोडक्शन में। यानी कि भारत की सरकार का टारगेट है कि हम भारत को मछली में, यानी कि मछली उत्पादन में बिल्कुल विश्व में नंबर वन पे ले आएंगे। और मोदी जी ने इसे कहा था नीली क्रांति, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चर के लिए थी, वीट राइस के लिए पंजाब यूपी में चली थी, ये हमारी नीली क्रांति है। इसका क्या काम है कि किसानों को एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम दी जाए। और इसका जो टारगेट है, जो मेरी फोटो के पीछे छुप रहा है, वो है डबल द फार्मर्स इनकम। फार्मर्स इनकम को डबल करना, फार्मर्स इनकम को डबल करना। जस्ट अ सेकेंड, ये जो मेरे पीछे छुप रहा है उसे मैं यहां लिख रहा हूं। अरे यार, ये पेन बड़ा परेशान कर देता कई बार, सीरियसली। ओके, फार्मर्स इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फार्मर्स की कमाई, ये किसानों की इनकम, किसानों की जो व्यवस्था है या उनकी स्थिति है, इसे इंप्रूव करना। सरकार ने चैलेंज लिया है कि 2022-23 तक हमारे यहाँ के जो किसान है उनकी इनकम दोगुना बढ़ा देंगे। दोगुना बढ़ाने से मतलब, जैसे अगर उनकी इनकम आज के टाइम में 1,000 रुपये है, तो हम 2,000 कर देंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन ये सरकार का टारगेट है। इसे हम मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर के 3 में। जब भी एग्रीकल्चर पे आप क्वेश्चन लिखो, तो आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना का नाम देंगे, ये दोगे तो आपके आंसर में +1 डेफिनेटली आएगा। यानी कि आप ये बताओगे करंट में सरकार ने ये किया है, बाकी सरकार तो कर ही रही है, चाहे वो एमएसपी प्राइसेस से रिलेटेड हो, एपीएमसी एक्ट हो। ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगे, एक ही क्लास में नहीं मिलेंगे। आगे चलते, विष्णुपद टेम्पल। अब ये टेम्पल न्यूज में था, न्यूज में क्या है, ये आर्टिकल था कि पटना के हाईकोर्ट ने कहा है कि भैया आपको एक बॉडी बनानी है, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस इस मंदिर को देखेंगे। मंदिर के बारे में क्या, ये मंदिर कब बनवाया गया ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ ये नहीं पता। लेकिन कहा जाता है अहिल्या बाई होलकर, जो कि इंदौर की रानी थी, ठीक है, उन्होंने इसे बनवाने में मदद करी थी, बनवाया था 1787 में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बिहार गया में है, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु नदी से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था जैनिज्म में, आपको याद होना चाहिए। क्या पढ़ा था, महावीर जैन को यहाँ पे कैवल्य प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, उसी नदी के पास ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फुटप्रिंट, यानी कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इसमें एक पैरों के चिन्ह लगे हुए हैं, यानी कि पैरों के निशान है, उसकी पूजा होती है। उसके आसपास कुछ सिंबल्स बने हैं, जिसमें शंखम चक्रम गद्धाम, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक शंख है हाथ में, चक्र है या गदा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये होना चाहिए कि फुटप्रिंट्स की पूजा होती है, क्वीन ऑफ इंदौर इंपॉर्टेंट है, फाल्गु रिवर इंपॉर्टेंट है, अहिल्या बाई होलकर इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। यनोमनी पीपल, देखो यूपीएससी ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये ट्राइब, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सेंटिनलीज ये न्यूज में है, क्यों है, कौन है, क्या है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कोई एक ट्राइब, कोई एक बंदा जो न्यूज में चल रहा हो, तो पूछ के जाता है। सेंटिनलीज उन दिनों न्यूज में था, सेंटिनलीज ने कुछ रिपोर्टर्स को मार दिया था, तो ये न्यूज में थे। नाउ आता है यनोमनी पीपल, ये क्या है। ये यनोमनी पीपल हमारे कहाँ पे रहते हैं, ब्राजील या फिर वेनेजुला में, जंगलों में मिलते हैं हमें, वहां के ट्राइब्स हैं ये, ठीक है ना। ये कौन है, ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजाति हैं, आदिवासी टाइप लोग हैं। ये क्या है, ये लार्जेस्ट रिलेटिव आइसोलेटेड ट्राइब है साउथ अमेरिका की, यानी कि एक बिल्कुल एकांत में रहने वाली ट्राइब है, जिसका कोई ज्यादा लोगों से लेना देना नहीं है। ये एक सर्किल में घर बना के रहते हैं, जिसे हम यानोस कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ मिलते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका, ब्राजील एंड वेनेजुएला। न्यूज में क्यों है, इनकी कुछ टाइम से कुछ झड़प चल रही है गोल्ड माइनर्स के साथ। मेरी फोटो के पीछे जो छुप रहा है वो है गोल्ड माइनर्स, यानी कि जो सोने की माइनिंग करते हैं, सोना नीचे से निकालते हैं, उनसे इनकी झड़प चल रही है। वो लोग इनको इधर उधर परेशान करते रहते हैं, इसलिए ये लोग न्यूज में है। और सिर्फ 2 पॉइंट्स इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है भाई,
हमारे जो लड़के मैं देख रहा हूँ करंट अफेयर्स से बच्चों सबसे कम ध्यान देते हैं कि हिस्ट्री क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव होते हैं, करंट्स की में लाइव नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का, यह आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा सीरियसली, बट जल्दी हो जाए तो बेहतर है। देखिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज हमारे 2019 का किसे दिया गया, सर डेविड एटनब्रो इन्हें मिला है। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, सर डेविड एज एन इंग्लिश ब्रॉडकास्टर नहीं, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड कौन देता है और कब से देता है, बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये देता है, कब से देता आ रहा है, 1986 से। इसमें क्या होता है, 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, बहुत साधारण चीज है। हमें क्या याद रखना है कि ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। यूपीएससी जब स्टेटमेंट्स पूछता है तो इस तरीके के क्वेश्चन सेट करता है। क्या इंदिरा गांधी अवार्ड केवल इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, आंसर इज नो, ये दोनों को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को भी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। क्या टारगेट है, क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नया तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर सेट करे, उस बंदे को मिलेगा या उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा जो एक तरीके की नई अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करे, जैसे हमारे एग्जाम्पल है मनमोहन सिंह, उन्हें मिला भी था। ठीक है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, समाज में एक तरीके से शांति लाई जाए। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरीज कुछ करें उसे भी मिलता है, जैसे हमारे यहाँ इसरो को भी मिल चुका है, इसरो को भी मिल चुका है। अब ये नीचे मैंने विकिपीडिया का एक लिंक दिया है इसी साइट के नीचे, जिस पे आप जाकर या आप डायरेक्टली भी ढूंढेंगे इंदिरा गांधी प्राइस आज तक किस किस को मिला है तो आप देख सकते हैं। और आपको कहां से कहां तक तो याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा 2010 से 2020 तक। याद करने से मतलब है आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इन इन लोगों को मिला है, क्यों, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट सेट करती है इनमें से किसे नहीं मिला है। ठीक है, तो आप कम से कम 10 साल के आइडिया रखेंगे किस किस को मिला है। बाहुबली इज आस्किंग सर एनजीओ क्या होते हैं। देखो एनजीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि गवर्नमेंट से लिंक नहीं होती है, बट ये गवर्नमेंट की हेल्प करती है। ठीक है ना, हेल्प करती है, सिंपल भाषा में कहूं कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो मैंने सोचा है कि मैं गरीब बच्चों की मदद करूंगा, तो मैं एक परमिशन लूंगा एनजीओ बनाने की, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट, लेकिन ये वर्क गवर्नमेंट वेलफेयर की तरह ही कर रही है। ठीक है, वो एनजीओ है, बाकी एनजीओ के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी की क्लास में मिलेगी, एनसीआरटी की बुक्स में मिलेगी। यहाँ पे छोटा सा यही बता दूंगा क्योंकि अभी करंट चल रहे हैं बेटे साथ साथ। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हमारा आया है आत्मनिर्भर भारत राइज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया गया। क्या है, देखो हमारे यहाँ आत्मनिर्भर का नाम तो चल ही रहा है, हमें पता है, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर एक स्कीम चलाई है, आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये चला है। क्या है, फोकस करेंगे रिसर्च एंड इनोवेशन पे, रिसर्च एंड इनोवेशन पे, यानी कि जो हमारी एमएसएमईज हैं और स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, अच्छा, बाहुबली इज आस्किंग क्या सर एनजीओ इंदिरा गांधी अवार्ड एनजीओ के लिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एनजीओ के लिए नहीं, किसी के लिए भी है, अगर वो बंदे ने वर्क अच्छा किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए भी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है केवल एनजीओ के लिए। ओके, बट एनजीओ को इंडिया में रिसेंटली बैन किया गया है। एनजीओ को रिसेंटली बैन नहीं किया गया, पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉप किया गया है। ठीक है ना, तो बैन जो वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड हो गया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, और जब एडिटोरियल्स में पढ़ाऊंगा तो वहां डेफिनेटली ये टॉपिक न्यूज में मिल रहा है, तो वहां पे हम इसे डिस्कस करेंगे एक्चुअली इसका करंट स्टेटस क्या है। ओके, द प्रोग्राम विल बी ड्रिवन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोग्राम को कौन चलाएगा, इसरो चलाएगा। ठीक है, और चार मिनिस्ट्रीज हैं इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है। अब आप देखो, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि कौन कौन से सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन होगा, हमने देखा एमएसएमई एंड स्टार्टअप, किस चीज का स्टार्टअप वो हमें यहां से पता चलता है। देखो इंडियन स्पेस रिसर्च है, यानी कि स्पेस का अगर कोई स्टार्टअप करते हो वहां आपको मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्टअप में मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के स्टार्टअप में आपको हेल्प होगी, हेल्थ इंडस्ट्री में होगी, हाउसिंग में होगी या अर्बन अफेयर्स में होगी, यानी कि मिनिस्ट्रीज से हम पहुंच गए उसके काम पे। जो मेरी फोटो के पीछे छुप रहा है वो है अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स। अगर आपको इसकी वीडियो की पीपीटी चाहिए आप अनअकैडमी में मेरा नाम जाके सर्च करना और उस वीडियो की पीपीटी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, सरकार ने 15 चैलेंजेस रखे हैं, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि 50 लाख की गवर्नमेंट हेल्प करेगी ताकि डेवलपमेंट हो पाए, इनोवेशन आ पाए। देखो यार, फैक्ट्री खोलना बहुत आसान है, लेकिन उस फैक्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। उस फैक्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और नया करने के लिए हमें क्या चाहिए? नया करने के लिए हमें पैसे चाहिए। हम रिसर्च तो तभी कर पाएंगे ना। सरकार आपको पैसों से मदद दे रही है, उसके बाद आपको इनोवेशन करने के लिए कह रही है। बाकी सारे पॉइंट्स न्यूज़पेपर के एज इट इज है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ कंटेंट समझना है, उसकी एसेंस पे जाना है, क्योंकि यूपीएससी पहली चीज कभी डायरेक्ट भाषा में क्वेश्चन पूछता ही नहीं। तो अगर आप इसे पूरा पूरा रट भी लोगे, जो बच्चे न्यूज़पेपर को रटते रहते हैं वो भी गड़बड़ है। न्यूज़पेपर को समझना है, वही चीज मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कराने की। नाउ, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, वर्ल्ड की पहली सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बार बता दो उतनी बार इंपॉर्टेंट है। क्या है इस समिट के बारे में पढ़ने से पहले मैं पढ़ूंगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में। ये क्या है? ये 2015 में हुआ क्या था? हमारे मोदी जी ने कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ऐसे देशों की जहां पे सूरज की रोशनी अच्छी आती है, यानी कि ट्रॉपिकल नेशंस। ट्रॉपिकल नेशंस कौन से होते हैं? ये ग्लोब है हमारा, ऐसे बीच में होता है हमारा इक्वेटर, फिर ऐसे ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंसर ऊपर है या कैप्रिकॉन ऊपर है। तो मैं बता दूं, कैंसर में शब्द कम होते हैं यानी कि उसमें वेट कम है, तो उसे ऊपर रख देना। कैप्रिकॉन में शब्द ज्यादा होते हैं, उसमें वेट ज्यादा है, उसे नीचे रख देना। तो यहाँ पे ये वाला जो बीच का एरिया है, यहाँ पे सूरज की किरणें अच्छी पड़ती है। तो इसके बीच में जो देश आते हैं, उन देशों ने मिलकर स्टार्ट किया सोलर अलायंस। और हमारे मोदी जी ने इन देशों को कहा सूर्य पुत्र, यानी कि ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। तो देखते हैं क्या। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 121 देशों का समूह है, यानी कि 121 देश इसमें है, ठीक है। ये वो देश है जहां पे सूरज की किरणें अच्छी हैं, सनशाइन कंट्रीज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है, मैंने ऊपर डायग्राम में समझाया। क्या है ओवरऑल टारगेट? ये है कि हम एक अच्छा एफिशिएंट यूज कर पाए सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी के जरिए हम जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि हमारी जो कोयले वगैरह के ऊपर निर्भरता है, उसे खत्म करें और हम सोलर एनर्जी की तरफ स्विच करें, यानी कि हम सूर्य किरणों से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करें। और क्या है इसके बारे में? ये हमारे मोदी जी ने ही इनिशिएटिव दिया था 2015 में, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ही रिफर्ड टू सनशाइन कंट्रीज एज अ सूर्य पुत्र। सनशाइन कंट्रीज को इन्होंने क्या कहा? ठीक है, सूर्य पुत्र, यानी कि सूर्य पुत्र कहा इन्होंने। अब सूर्य पुत्र का क्या मतलब है? देखो, आप इसे यूज कैसे कर सकते हो। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है इसकी इंपॉर्टेंस, या सोलर चीजों की इंपॉर्टेंस, या एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस, आप मोदी जी का स्टेटमेंट लिखो कि हमारे मोदी जी ने 2015 में कहा था कि जो हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसे हम सूर्य पुत्र यानी कि सन्स ऑफ सन कह सकते हैं। अब आप इसी के एस्पेक्ट में लिख सकते हो कि हम सोलर एनर्जी, हम यानी कि एनवायरमेंट से ही एनवायरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन वही है। जैसे भगवत गीता कहती है ना, जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके साथ जन्म लेता है, तो वही चीज है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं अपने ऐसे वगैरह में। शिवानी सिंह की नहीं, शिवानी मीडियो को बार बार नहीं सुनना है। आप जैसे स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसे रिवाइज करो, एक बार सुनने के बाद रिवाइज करो, दो तीन बार रिवाइज करो, जब तक ऐसे सुन के कंटेंट को रखना। देखो यार, सीरियस आईएएस एस्पिरेंट और एक मजाकिया यूपीएससी एस्पिरेंट में यही अंतर है। जो मजाकिया होता है वो सिलेबस खत्म करने के पीछे जाता है ताकि वो हवाबाजी कर सके। देखा, मैंने लक्ष्मीकांत 2 दिन में खत्म कर दी। यूपीएससी हवाबाजी करने के लिए नहीं है, ये सिलेक्शन निकालने के लिए। तो वो हवाबाजी करता रहेगा लाइफ टाइम। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, जब तक पढ़ना जब तक समझ में ना आ जाए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो देश ट्रॉपिक्स के अंदर नहीं आते, यानी कि जो मैंने आपको बताया जो इस डायग्राम के अंदर नहीं आते, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हाँ ये भी कर सकते हैं। इन्हें सारे वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी देशों को मिलते हैं एक्सेप्ट, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर पाएंगे, इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन के बाद ये बहुत बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है पूरे विश्व का। 121 देश है इसमें, ठीक है। सारे देश सारे एक साथ क्यों आए हैं? एक साफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट, यानी कि जीएस पेपर 3 के सिलेबस में जितने पॉइंट्स हैं वो सब इसमें हैं।
यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट का है तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, क्लाइमेट का आंसर आए तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, क्लीन एनर्जी का है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, यानी कि भारत में, गुरुग्राम है हमारा हरियाणा में, हरियाणा है हमारा इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार किसी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भारत में रखा गया, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस समय उपेंद्र त्रिपाठी, ये अभी के हैं नाउ। लेकिन अगर आप एग्जाम 2021 में देने वाले हैं या 2000 सॉरी 2021 या 2022 में देने वाले हैं तो आप ये नाम को अपडेट करेंगे वहां से, गूगल से, ठीक है। फिर हमारा आता है कि अभी जो मीटिंग हुई, यानी कि ये जो मीटिंग हुई जो कि 8 सितंबर को हुई है, ये वाली जो समिट की हेडिंग है, जो पहली समिट हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की समिट हुई ये 8 सितंबर को, इसके अंदर क्या चर्चाएं हुई, क्या बात हुई। तो सबसे पहले जो हमारा फिक्की है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, इसने आईएसए के साथ मिलकर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया। तो फिक्की का नाम आप यहाँ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्की के चेयरमैन कौन है, कोई मुझे बताएगा फिक्की के करंट चेयरमैन कौन है? ओके, द समिट विटनेस द अनाउंसमेंट। इस समिट में कुछ अनाउंसमेंट और कुछ एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले सोलर अलायंस और कुछ बॉडीज के बीच में। कौन कौन से? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट। यानी कि इन तीन बॉडी के साथ आईएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। इनके अंदर जाना है? आंसर इज नो, हमें बाहर बाहर से पता होना चाहिए। एक और एग्रीमेंट साइन किया जिसमें तीन पक्षीय, यानी कि ट्रिपेडाइट का मतलब होता है तीन पक्षीय। एक जगह तो खुद आईएसए है, सोलर अलायंस है, एक जगह भारत की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, और तीसरी तरफ वर्ल्ड बैंक है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएसए की टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि इस समय एक टेक्नोलॉजी जनरल लॉन्च किया गया, एक सोलर कंपास 360, ये दो चीजें लॉन्च की गई जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, और तीसरा ये पॉइंट कि वो देश भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ट्रॉपिकल में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी हमारे ऊपर होता है हम न्यूज को किस तरीके से अपने आंसर में प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमारी रिपोर्ट है यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स एंड यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। इतना बड़ा नाम नहीं है, असल में इन दोनों को लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, इसीलिए मैंने दोनों का नाम एक साथ लिखा। तो इसे लॉन्च किया, इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को, मोबाइल क्रैश जो कि एक एनजीओ है जिसने रिपोर्ट रिलीज करी। एक करिए यंग चाइल्ड आउटकम और एक करिए यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट। तो हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो जो पहले हमारी यंग चाइल्ड आउटकम है वो क्या है, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के बारे में बात करती है, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में बात करती है, हमारे ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करती है। हेल्थ इंडिकेटर सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं कुछ समय में, उसके रोक लगानी है, इस पर फोकस करती है। स्टंटिंग, स्टंटिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कोई इंसान है कि वो समय के साथ उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट बढ़ती जा रही है, उसे हम स्टंटिंग कहते हैं। नेट अटेंडेंस, बच्चे स्कूल में कितना जा रहे हैं और प्राइमरी स्कूल में बच्चे कितना आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ये हम मेंस में यूज कर सकते हैं पॉइंट्स, कैसे? टॉप स्टेट्स, यानी कौन से स्टेट है जो हमारे टॉप पे है, केरला, एक ही याद रखना, सारे याद मत रखना, केरला है, गोवा है, यानी कि आप एक आइडिया ले सकते हो कि जो साउथ के स्टेट्स हैं बेसिकली ये टॉप में है। लो पे कौन है भाई, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, असम, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बाहुबली ने आंसर किया, संगीता रेड्डी, फिक्की के चेयरमैन, ओके रेड्डी। नाउ यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स, यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स, ये भी क्रैश ऑर्गेनाइजेशन ने किया। क्या है ये? इसमें फोकस होता है एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट का मतलब एक ऐसा वातावरण बनाया जाए कि बच्चे उससे निकल जाए, वातावरण बनाया जाए जिससे बच्चे उससे निकल जाए। तो क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गरीबी से निकाला जाए। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है हमारी उसे इंप्रूव किया जाए। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है? ऐसे हॉस्पिटल जहां छोटी छोटी बीमारियों का इलाज होता है। इंप्रूविंग एजुकेशन लेवल, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। सेफ वाटर सप्लाई, पानी, साफ पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। और जेंडर इक्विटी पे फोकस किया जाए। अब जरा मेरे को बताओ, जेंडर इक्विटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस गोल में था, जल्दी से बताओ। जेंडर इक्विटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किस गोल में था? नाउ कौन से स्टेट इसमें टॉप करते हैं? केरला अगेन, और कौन से स्टेट नीचे आते हैं? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। वही सारी सेम सिचुएशन है, ओवरऑल दोनों का माइनर सा डिफरेंस है।
ऑर्गेनाइजेशन दोनों को करने वाली एक ही है, मोबाइल क्रचेस, जो कि है हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है। चलो नेक्स्ट है हमारा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखो ये टॉपिक मेरे को डालना नहीं था इसमें, ये मैंने इसलिए डाला ताकि आपको पता चले कि आपको न्यूज़पेपर को किस तरीके से देखना होता है। न्यूज में था ये था, कांग्रेस हैज रिन्यूड इट्स कैंपेन सिंकिंग डेप्यूटी स्पीकर पोजिशन द लोकसभा। कांग्रेस डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा को डिमांड कर रही है, लेकिन 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 अगर मैं उस आर्टिकल को पढ़ता हूं जो कि मेरे कम से कम 10 से 15 मिनट खाएगा, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे को ये मिला, सोनिया गांधी ये सोचती है, मोदी जी ये सोचते हैं, बीजेपी ये सोचती है, कांग्रेस, मेरे को करना ही नहीं है कुछ, यूपीएससी के मतलब का नहीं है। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं उसी समय अपनी बुक खोलूंगा लक्ष्मीकांत और डेप्यूटी स्पीकर को वहां से पढ़ लूंगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लक्ष्मीकांत के ही हैं जो आप खुद भी रीड कर सकते हो, लाइक कौन कौन से, आर्टिकल 93 जो कि कहता है इलेक्शन होगा स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का, डेप्टी स्पीकर सिंबॉलिक है यानी कि डेप्टी स्पीकर केवल एक दिखने का है, इसकी शक्तियां नहीं है ज्यादा, ठीक है। डेप्टी स्पीकर एक ऐसा स्पीकर है कि अगर जब ये स्पीकर बनेगा तो इसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि स्पीकर को होती है, जैसे कि हमारा जो स्पीकर होता है, जिसे ये पॉइंट नहीं पता बता दूं, बुक में लिखा हुआ है, स्पीकर का क्या सीन होता है, अगर इसे स्पीकर बनाया जाए, जैसे एक एमपी है, एक सांसद है, एक बहुत सारे सांसद आते हैं, उनमें से किसी एक सांसद को स्पीकर बनाया जाता है, यदि ये वाला सांसद स्पीकर बनता है तो इसे उसी समय अपनी पार्टी के पद को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बीजेपी से हट जाएंगे, ये केवल स्पीकर रह जाएंगे। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के साथ ऐसा नहीं है, यही एक कारण है कि कांग्रेस डिमांड कर रही है, वो चाहती है कि एक ऐसी ऐसा बंदा भी तो आए जो हमारी तरफ से हो, ये भले ही रिजाइन कर दे लेकिन ये रहेगा तो दोस्त इनका ही ना, वही चीज है, ठीक है। सो और क्या हमारे पास, ये जो डेप्यूटी स्पीकर होता है यानी कि जो उप हमारा स्पीकर होता है, ये क्या करता है, ये कई बार प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जब हमारा स्पीकर बीमार हो, कहीं लुट जाए, बीमार हो जाए, तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या करता है, ये इलेक्ट कब होता है, जब फर्स्ट मीटिंग होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजुअली लिखा यानी कभी कभार। और क्या है, ये हमारा जो होता है ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है, ये मैं पॉइंट आपको बता ही चुका, डेप्यूटी स्पीकर इज ऑफर्ड टू ऑपोजिशन पार्टी, ये पॉइंट मैंने अभी अभी समझा दिया था। दे होल्ड ऑफिस, डेप्यूटी स्पीकर कब तक ऑफिस पे रहता है, जब तक लोकसभा स्थगित ना हो जाए, जब तक कोई उसे निकाल ना दे। उसे निकालने का प्रतिक्रिया क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा, यानी कि लोकसभा में ही होगा और कहीं नहीं, क्योंकि लोकसभा के बंदे की ही बात चल रही है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा रोगन आर्ट। देखो यार, हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा देखा था, ऐसे बहुत सी चीजें थी, ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी सिचुएशन की वजह से परेशान है, कोरोना की सिचुएशन की वजह से परेशान, तो वैसे ही रोगन आर्ट के जो लोग हैं वो भी इस समय दुखी हैं। तो रोगन आर्ट न्यूज में है, इसे कैसे पढ़ेंगे, कौन है, ये वो लोग हैं जो कपड़े पे तेल से प्रिंटिंग करते हैं, कहाँ पे, कच्छ गुजरात में, यानी कि इट इज एन आर्ट ऑफ क्लोथ प्रिंटिंग प्रैक्टिस इन द कच्छ, ठीक है। दिस आर्ट वॉज स्टार्टेड बाय खत्रीज, ये किसने स्टार्ट किया था, खत्रीज ने, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि सिंध पाकिस्तान की साइड से इंडिया सेटल हो गए हैं। तो ये रोगन आर्ट के बारे में है। क्या अब हम और कुछ देख सकते हैं, यस, हम और देख सकते हैं कि भारत में और कौन कौन से पेंटिंग स्टाइल्स है। कहने का मतलब है, जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ो कोई ऐसा शब्द है जो कि आपको लगता है ये नया है, फिर आप उससे मिलते जुलते और ढूंढो, लाइक जैसे यूट्यूब पे करते हो ना, कितनी सारी वीडियोस रेफरेंस में दिखाता है, तो आप अपने रेफरेंस खुद बनाओ। सबसे पहला कंगरा मिनिएचर पेंटिंग, ये कहाँ पे, हिमाचल में, ठीक है। पत्तचित्र पेंटिंग ओडिशा में, तंजावुर तमिलनाडु में, कलमकारी आंध्र प्रदेश में, ये पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में कलमकारी के बारे में। मधुबनी पेंटिंग बिहार में, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में। क्या ये सारे नाम मुझे याद करने हैं, आंसर इज यस, सारे याद करने। ओके ओके, बाहुबली ने आंसर कर दिया है कि फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी इक्वालिटी की बात होती है जेंडर की, यू आर राइट बाहुबली, सही है। ओके, कमेटी ऑन द कंटेंशन रेगुलेशन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसे GS2 से ऐड कर सकते हो यानी गवर्नेंस से, आप इसे GS3 से यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी से, आप इसे GS4 से यूज कर सकते हो लाइक मीडिया की एथिक्स। तो ये सारी चीजें हम सभी को बताया, जो हमारी मीडिया है वो किस तरीके से काम करती है ना, हमें पता है हमारी मीडिया किस तरीके से काम करती है। कई बार कहा जाता है मीडिया बिक गई है, ये है वो है, यानी कि मीडिया में हमारे राजनेता कुछ उल्टी सीधी चीजें दिखाते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून बनाया है, वो देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्टेट, प्रत्येक राज्य अपने स्टेट में एक कमेटी बनाएगा,
अपने स्टेट में एक कमेटी बनाएगा जो कि ये देखेगी कि गवर्नमेंट जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज में डाल रही है या टीवी में डाल रही है वो किस हद तक सही है। ठीक है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक 3 मेंबर्स बॉडी वगैरह बनाई, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट्स आर मैंडेटेड, यानी कि स्टेट्स को कंपलसरी है ये टू सेटअप देयर रेस्पेक्टिव 3 मेंबर्स कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी अपने स्टेट में बनाना जरूरी है, जो मेरे नाम के पीछे छुप रहा है वो कुछ भी नहीं है, रेगुलेशन लिखा है जिसका यूज नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गाइडलाइंस, ये हमारे प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट जो होंगे वो रेलेवेंट होने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के कौन संवैधानिक और लीगल कानूनी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का उल्लंघन हो, ये पॉइंट हमें याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ही ऐड करोगे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें हिंदू हिंदू दिखा दो या मुसलमान मुसलमान दिखा दो, तो ये हमारे संवैधानिक जो मूल है उसके अनुसार खराब है, यानी कि जो ऑब्लिगेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजाइन टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन, अगर आपका कैंपेन प्रचार करना है तो वो प्रचार ही दिखना चाहिए और बहुत सस्ते में ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि आपके एड में फालतू खर्चे नहीं होने चाहिए। एक्यूरेट और नॉट प्रेजेंटिंग प्री एग्जिस्टिंग, सरकारें कई बार क्या करती है पुरानी स्कीम्स को ही दोबारा दोबारा दिखाती है कि देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया, बेवकूफ बनाती है। ऐसा हुआ भी था 2014-16 में भी ऐसा कुछ हुआ था जो कि न्यूज में रहा था। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहता है पॉलिटिकल पार्टी से अब की बार आप जो पॉलिसी गिनाएंगे वो नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं। ठीक है, और आप किसी भी तरीके का अपना राजनीतिक इंटरेस्ट यानी कि राजनीतिक जो आपका महत्व है वो नहीं, और रूलिंग पार्टी के कोई भी प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। अब इस कमेटी का फंक्शन क्या है, क्या ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी जो कि हमारी एक तरीके से गवर्नेंस देखेगी, ये देखेगी कौन कौन ऐसा स्टेट है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है तो ये उससे 100 मोटो, यानी कि इसके पास इतनी अथॉरिटी होगी कि उसे सजा दे सके या उसे बुला सके, समन कर सके कि आप मेरे सामने हाजिर हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई गलती करने की। समन, 100 मोटो, ये शब्द पॉलिटी की बुक्स में मिलते हैं जो कि आप पढ़ पढ़ के देखोगे। 100 मोटो का मतलब होता है एक तरीके से अथॉरिटी, और समन का मतलब होता है आपको उपस्थित होने के लिए कहा जाए। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया सर क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अनुसार किसी भी पुरानी योजना का नाम बदलना गैर कानूनी हो? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अनुसार आप पुरानी योजना का नाम बदल सकें। गुरु जी आपके चैनल सभी चैनल से बहुत अच्छा है, हम आपके आभारी हैं गुरु जी, थैंक यू सो मच। यदि इस तरीके के कॉमेंट्स सही में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई नो अभी चैनल नया है बट धीरे धीरे जैसे ये प्रमोट होगा और जैसे जैसे लोग इस पर आएंगे तब आप लोगों का और भी विश्वास बढ़ेगा कि टीचर्स जो करा रहे हैं बहुत अच्छा करा रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर हमारा चैनल पुराना होता तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, हमारा एक नया चैनल है हम खुद भी उस पर उतनी ही मेहनत करते हैं। ओके, समन यानी कि बुला सकता है, इतनी अथॉरिटी इसके हाथ में है। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे ये कमेटी सेटअप हो चुकी है ऑलरेडी? कर्नाटका में हो चुकी है, गोवा में हो चुकी है, मिजोरम में हो चुकी है, नागालैंड, यानी कि 4 राज्यों में ऑलरेडी ये सेटअप है। ठीक है, आगे चलते हैं। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, देखो यार रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत गंदे पूछता है और सीरियसली ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं। इसका एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, 2018 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वॉना क्राई, सोचो ये यूपीएससी ने पूछा था कि वॉना क्राई न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? अरे भाई क्यों न्यूज में, हमें क्या पता, तो वो क्या था ऐसा कुछ शब्द आ जाएगा। तो ऐसे रियल मैंगो सॉफ्टवेयर न्यूज में है, क्या है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर? एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जो कि रेलवे की सिचुएशन के लिए तैयार किया गया था, रेलवे की जो हमारी IRCTC के चैलेंजेस होते हैं, लाइक कैसे इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी मल्टीपल आईडी से इनके सर्वर को हैक कर सकता है और टिकट बुक कर सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, क्या मैं इसे पूरा पढ़ू? आंसर इज नो, मुझे पूरा नहीं पढ़ना, मुझे बस इतना पढ़ना है किससे जुड़ा हुआ है, IRCTC रेलवे से जुड़ा हुआ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे पॉइंट्स न्यूज़पेपर के हैं जो मैंने दिए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये वाली बॉडी क्या कर रही थी, ये वाली बॉडी, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर एक चोर आ गया, आप चोर से पहले किससे कहोगे, क्या कहो, जरा गेट कीपर को बुलाइए वो क्या कर रहा था। ठीक है ना, तो वही चीज है जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सेंटर है, भाई ये क्या करता है, ये बॉडी है कायदे में मैनेज करने के लिए, इसे सेटअप किया गया था 1986 में। ठीक है, IT सेक्टर संभालती है रेलवे की, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
इसके काम क्या है? पैसेंजर की टिकटिंग ऑनलाइन देखती है, फ्लाइट ऑपरेशन जो सामान इधर से उधर जा रहा होता है वो देखती है, ट्रेन की डिस्पैचिंग कौन सी ट्रेन निकल गई है ये देखती है। सोचो अगर रेलवेज की कोई साइट हैक होती है या रेलवे की किसी साइट में वायरस आता है, कितने ट्रेन का एक्सीडेंट होगा और हमारे पास जवाबदेही कोई भी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी हमारे इंडिया में वैसे भी नहीं है ज्यादा, तो जवाबदेही कौन देगा? ये सारी चीजों पे हमारे सवाल उठते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि जो ये चैलेंजेस है इसका क्या सॉल्यूशन है, ये चैलेंजेस है इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी कि इसके ये सारे काम है। और क्या देखता है? क्रू मैनेजमेंट देखता है, प्रोक्योरमेंट देखता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बॉडी आपको पता होनी चाहिए और आपको मैंगो सॉफ्टवेयर का नाम याद होना चाहिए, दैट्स इट। ब्लू पेंसी, ब्लू पेंसी क्या है? अब देखो क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लू पेंसी के बारे में कुछ लिखो, या कोई भी कुछ भी लिख के आ जाएगा? तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। ये GS 3 के, यानी कि मैं कह सकता हूँ प्री के लिए है, ये मेंस के लिए नहीं है। प्री के लिए क्या है? ये एक बटरफ्लाई है जो कि हमें काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने बताई है। इसका एक नाम है निम्फेल्डी, ठीक है, इसकी फैमिली है निम्फेल्डी और इसे कहा जाता है जूनोनिया ऑर्थिया। ये गंदे गंदे नाम तुम ही याद करना, मैं क्यों करूं, मेरे को देना नहीं है, तुम्हें देना है तुम करो। द थिंग इज दैट, क्या ये नाम करना जरूरी है? आंसर इज 50-50। क्यों? 2013 से पहले यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो ये दोनों पॉइंट्स, 2013 के बाद यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। लेकिन भाई यूपीएससी कभी भी अपना मूड बदल सकता है, तो आपको ये दोनों नाम जो रेड हाईलाइट है ये याद होने चाहिए। एक सिंपल सी एक बटरफ्लाई, एक तितली है, इसको क्या कहते थे, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, यानी कि बायो में या जूलॉजी में इसे अलग नाम से बुलाया जाता है। कहाँ मिलती है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। ओके नेक्स्ट, पत्रिका गेट इन जयपुर, पत्रिका गेट इन जयपुर। इस न्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी पत्रिका गेट की, लेकिन हमारे मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया। अब भैया हमारे प्रधानमंत्री कुछ करेंगे तो हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ये पत्रिका गेट? इसका नाम मिला है राजस्थान पत्रिका से, जो कि न्यूज़पेपर और मीडिया कंपनी है, ठीक है। ये कैसे बनाई गई है? जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारा पुराना जयपुर का आर्किटेक्चर है उसी से बनाई गई है, जो कि हमारे पुराने जयपुर के आर्किटेक्चर थे वो कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके से बड़े से गेट होंगे, यहाँ पे पूरी डिजाइनिंग हो रही होगी, इवन अंदर खिड़कियां बनी होंगी, इस तरीके से बैठने की जगह है, छतरीज है, इस तरीके का एक आर्ट एंड कल्चर का नमूना है ये, ठीक है। तो हमें क्या याद होना चाहिए? पत्रिका गेट कहाँ पर है? जयपुर में बनवाया गया है। फीचर्स ट्रेडिशनल फीचर्स हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडर मिशन अनुपम, अनुपम मिशन जो कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चलाया है। इसका क्या काम है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एक शहरी सिटी की एक अथॉरिटी क्या करती है? अपने देश के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ चलाती है। ये सही में बहुत एक अलग चीज है, इसे आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है वैसे बाकी राज्यों को भी सीखना चाहिए, या फिर प्री में भी डायरेक्ट आ सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने शहर के विकास के लिए काम कर रही है। ओके, और कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि महाराजा सवाई जय सिंह जो जयपुर के फाउंडर हैं, 1727 में इन्होंने फाउंड करी थी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, 2019 में जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरा शहर अहमदाबाद है। हमारे भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट्स इट, ठीक है। सर ये तितलियां टिड्डे केचुए कीड़े कहीं खोजे जाते हैं तो ये एग्रीकल्चर विकल्पिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण है या केवल प्री पेपर में आ सकते हैं? बाहुबली अगर किसी का एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, यानी कि विकल्पिक पेपर किसी का एग्रीकल्चर है, तो वहां ये टिड्डे और ये सब, यानी कोई भी ऐसी जीव जो कि एग्रीकल्चर पे किसी भी तरीके का असर डालती है, तो वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। किस तरह से? लाइक टिड्डी दल, लोकस अटैक जो इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में टिड्डी दल, टिड्डी दल ने जो भी अभी नुकसान किया, करंटली भी कर रही है, तो उससे क्या क्या असर है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। टिड्डियों को पहले से ही कैसे रोका जा सकता है, हर साल आ रही है, ना केवल भारत के संदर्भ में पूरे विश्व के संदर्भ में, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी और बहुत अच्छे से इसे जानना होगा। ओके नाउ, गुरुप्रिया ब्रिज, ये एक ब्रिज है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया, हालांकि बना 2018 में, न्यूज में क्यों आया जरा देखते हैं, न्यूज की क्यों न्यूज में आया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या। ये हमारा गुरुप्रिया नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, गुरुप्रिया नदी के ऊपर, जो कि उड़ीसा में है। ये एक तरीके से, एक तरफ बहुत सारे गांव हैं और एक तरफ मेन शहर है, उससे कनेक्ट करता है, यानी कि 150 गांव को कनेक्ट करता है मलकानगिरी शहर से, ठीक है। और इन 150 गांव वाली जगहों को कहा जाता है स्वाभिमान अंचल,
स्वाभिमान आंचल। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्वाभिमान आंचल क्या है। गुरुप्रिया ब्रिज कहां पर है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी पे? गुरुप्रिया पे, दैट्स इट। अब आप मेरे को ये बताना, गुरुप्रिया नदी ये किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। देखो यार, विश्व की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि लोगों को समझाया जाए कि भैया पॉल्यूशन मत करो, साफ हवा लोगे, बादल अच्छे दिखेंगे और अच्छा दिखने से ज्यादा तुम स्वस्थ रहोगे। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन किया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काईज, यानी कि एक दिन सेलिब्रेट किया जाएगा साफ हवा और नीले आसमान के लिए, जिससे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे। जब कोई डे बनाया जाता है तो लोग अवेयर होते हैं, लोगों को पता चलता है अच्छा आज कोई दिन है। 10 में से 1 बंदा तो पढ़ रहा होगा ना, एक बंदा तो उसकी विशेषता देखेगा जब अखबार में छपेगा या न्यूज में आएगा। हालांकि न्यूज में तो नहीं आता, लेकिन अखबार में छपेगा तब तो पढ़ेगा। लोगों को बताना है कि साफ हवा हमारे लिए हेल्थ के लिए, यानी कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इकोनॉमी, हमारे एनवायरमेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे इकोनॉमी के लिए कैसे? अरे भैया, जब बंदा स्वस्थ होगा, जब बंदा हष्ट पुष्ट होगा, तभी तो पैसा कमा पाएगा, या बिस्तर पर लेटे लेटे कमा लेगा? पॉसिबल नहीं है। थीम क्या है? क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। अब ये जो थीम है, ये हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले, सबको याद रखनी है, और थीम आपको याद रखनी है, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। सो आप थीम्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टार्टअप विलेजेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब ये रिसेंटली एक प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा गांव में एंटरप्रेन्योरशिप, यानी गांव में स्टार्टअप्स को प्रमोट करें। क्या है ये स्कीम? सब स्कीम है, किसके अंडर में आती है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये बहुत पुरानी हो गई, इसके बारे में यूपीएससी पूछ भी चुका, इसे नहीं पढ़ेंगे, बस इसे याद रखेंगे कि ये किसके अंडर में आती है, ठीक है। रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। इसका टारगेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग रूरल हाउसहोल्ड्स, जो गांव के घर हैं उनकी मदद करना, महिलाओं की मदद करना, नई नई इंडस्ट्रीज लगाने में, नई नई फैक्ट्रीज लगाने में, नई नई इंडस्ट्रीज लगाने में, ये सारी चीजें हमारा फोकस रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कराई जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। फाइनेंशियल यानी कि उन्हें किसी भी तरीके की, यानी कि जो पैसों से जिस तरीके की मदद है वो करी जाए, और उन्हें ट्रेन किया जाए बिजनेस करने के लिए। तो ये एक स्कीम है। हमारे इंडिया में स्कीम्स की कमियां नहीं है, हमें पता है, हमारे यहाँ स्कीम्स बहुत है, जिसमें ये भी एक स्कीम है, ठीक है। उसके अलावा इसे सपोर्ट कौन करेगा? इसे सपोर्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि अहमदाबाद में, ये इसे सपोर्ट करेगा। 100-100 पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीचे वाला पॉइंट अगेन, क्या क्या करना है, ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थिंग इज दैट इतना पॉइंट, इसके अलावा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दीनदयाल उपाध्याय के अंदर आता है, फोकस है विमेन को, फोकस है यानी कि महिलाओं को इसमें दिया गया है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को टारगेट किया गया, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हमारे यहाँ लिटरेसी डे बनाया गया था अभी 8 सितंबर को। लिटरेसी डे क्यों बनाया जाता है यार? लोगों को जागरूक करने के लिए, भाई पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो बौखला जाओगे, ठीक है ना। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1966, यूनेस्को जनरल ने किया था। अगेन क्या है, टू रेज द अवेयरनेस एंड रिमाइंड पीपल्स फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी। लोगों को बताना कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने की शक्तियां समझाना, पढ़ने के फायदे समझाना, ठीक है। थीम क्या है इसकी? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, यानी कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग, सीखो पढ़ना और पढ़ाना कोविड-19 की सिचुएशन में और उससे आगे भी, इस तरीके की कुछ बात करी गई है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ऐसे में जैसे मैंने आपको कहा था कि आप एक पेपर में कोट्स लिख के रखो, यानी कि थॉट्स लिख के रखो, वैसे आप ऐसे थीम्स भी लिख के रख सकते हो कि इंटरनेशनल लिटरेसी देखिए थीम थी, ठीक है ना। ऐसे राइटिंग में, ऐसे में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण माह। हमारी सरकार ने सितंबर को पोषण माह के तौर पर डिक्लेयर किया, यानी कि पोषण मतलब पालन पोषण जो होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, उसके लिए क्या है ये पोषण अभियान की फुल फॉर्म देखो, पीएम ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट। वेरी गुड बाहुबली, बहुत सही कोट लिखा है बाहुबली ने। शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से पूरे विश्व का विकास या विनाश किया जा सकता है। विकास सही है, विनाश क्यों करना, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी लोगों को
अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, एक जन भागीदारी प्रोग्राम बनाया जाना है, एक जन आंदोलन के तौर पे इसे बनाना है, ताकि ताकि जो माल न्यूट्रिशन है हमारे यहाँ, खाने की खपत जो हमारे यहाँ जो इंसानों के अंदर है उनके अंदर शक्तियां नहीं है खाने की, यंग चिल्ड्रन में और महिलाओं में, इस पे हम टारगेट करें। देखो हमारे यहाँ छोटे बच्चे और महिला, छोटे बच्चे तो बेचारे उन्हें समझ में नहीं आता खिलाए क्या क्या, बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन महिलाओं को बड़े होने तक खाना नहीं मिलता। बड़े होने तक देखो पहले किचन में रोटी बनाएंगी, उसके बाद में खाना खाएंगी बेचारी, ठीक है, तो उनकी किस्मत काफी बुरी है। तो इस सब चीजों को सरकार चाहती है कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, न्यूट्रिशन और हेल्थ पे फोकस रखा जाए। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे देखेगी डेफिनेटली, ठीक है ना। और क्या है, सिंपल सिंपल है, ग्रास रूट लेवल यानी कि छोटे से छोटे लेवल तक भी पहुंचाया जाए, सारे नेशनल में, स्टेट्स में, यूटीज में, शहरों में, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। और इस महीने इस स्कीम को हर जगह प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट कैसे करेंगे मेरे को पता नहीं, क्या ये व्हाट्सएप करेंगे, क्या ये टीवी लगवा के पेड़ों पे फिर लोगों को सुनाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, ये सब नाम की चीजें होती है, हम प्रमोट करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, आप लोग प्रमोट होगा, दैट्स इट। पोषण अभियान को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 2018 में चला था ईयर, इसमें न्यूट्रिशन स्टेटस यानी कि बच्चों के न्यूट्रिशन का स्टेटस देखा जा रहा है, कौन से एज तक का, 0 से 6 ईयर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ईयर्स पूछता है, यूपीएससी डेट्स नहीं पूछता, लेकिन यूपीएससी ईयर्स पूछता है कि कौन से साल के लिए ये स्कीम है जो पूछा गया था, जो छोटे बच्चों के ऊपर है एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर है ना, उसके ऊपर एज पूछ ली जाती है। तो इसमें किन किन को टारगेट किया गया, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं, लैक्टिंग मदर्स, लैक्टिंग मदर्स वो होती हैं जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए बात हो रही है, यानी कि माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया करना है हमें 2022 तक। तो पोषण अभियान का लक्ष्य यह है कि हमें अपने देश में से खाने की जो कमी है, जो लोगों के अंदर खाने की कमजोरी है, वो सब हटाए, न्यूट्रिशनल कमी ना हो 2022 तक, ठीक है। और क्या क्या चीजें कम करनी है, स्टंटिंग कम करनी है, यानी कि ऐसी चीजें लाइक आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका वेट नहीं बढ़ा या हाइट नहीं बढ़ रही, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि जो बंदा अपनी शरीर की नीड से, रिक्वायरमेंट से कम खा रहा हो, अनेमिया, ठीक है। और क्या, रिड्यूस लो बर्थ यानी कि लो बर्थ वेट, ये सब फोकस हमारा रहेगा। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है न्यूट्रिशन स्टेटस, दैट्स इट, एक पॉइंट में निपटाना होता है। पोषण अभियान 2018, न्यूट्रिशन स्टेटस 0 से 6 ईयर्स, प्रेगनेंट वुमेन, सेलेक्टिंग वुमेन, दैट्स इट। इस तरीके से हम इसे देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। देन अब ये हमारी क्या आती है, ये हमारी एक तितली है, नहीं तितली वाला नहीं है, मैंग्रोव है, सोनेशिया अल्बा, ये क्या है, ये एक मैंग्रोव ट्री स्पीशीज है। मैंग्रोव ट्री क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो बीच में, बीच पे पेड़ होते हैं ना, जैसे समुद्र किनारे जो होते हैं, समुद्र किनारे जो बीच होते हैं, बीच में रेतिया वाला मूवीज में आपने देखा होगा, वहां पे जो पेड़ होते हैं उसे मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं। सो महाराष्ट्र हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने सोनेशिया अल्बा को स्टेट मैंग्रोव ट्री घोषित करने की बात कही, यानी कि हम अपना एक मैंग्रोव ट्री भी स्पीशीज को स्टेट रखेंगे। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये पेड़, लिथारिस, अगेन ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये यही नहीं कहूंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये कहूंगा कि यूपीएससी पहले ऐसे सवाल करता था लेकिन अब नहीं करता है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो रिस्क ना लो इसे छोड़ने का। सोनेशिया अल्बा क्या है, ये 5 फीट ऊंचा है, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, पिंक बेस होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक जानकारी है उसकी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि उन जगहों पे सूर्य की किरणें अच्छी पड़ती हूँ, ईस्ट अफ्रीका टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउदर्न चाइना, टोक्यो आइलैंड्स, इंडिया चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट, इन सारी जगहों पे मिलता है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, नहीं, बाकी कुछ भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, नाउ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स को अब मैं मार्क करता हूँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देखो यार, भारत में एक टाइम पे वो एक लहर चली थी कि एक दवाई थी हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाँ उल्टा बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये एक दवाई थी, ये कहा गया कि इस दवाई से कोरोना का इलाज हो रहा है, काफी देशों ने इस दवाई को मांगा, भारत ने दी भी, लेकिन वैक्सीन नहीं थी, वो एक तरीके सक्सेस नहीं थी। वैसी ये भी दवाई न्यूज में है, ये भी दवाई न्यूज में, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है इसे भी कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा था, इसीलिए WHO ने इसके लिए एक गाइडलाइंस इशू करी कि आप इसे किस तरीके से यूज करेंगे, ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए जो बीमारी है उसके लिए ये काम कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इसीलिए WHO ने कहा है कि आप किस तरीके से यूज करो। अब ये है क्या, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, इंफ्लेमेटरी को अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो पेन किलर, दर्द की दवाई, शरीर में किसी भी तरीके का दर्द हो वैसा ड्रग है ये, तो उसके लिए दी जाती है,
ठीक है ना, बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन है, नहीं याद करने हमें, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें सिर्फ यूपीएससी एस्पेक्ट से देखना है। मैं आपको पूरा कंटेंट इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको ये लगे मैंने तो पूरी मेहनत करी है, मैंने सब डाला है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, थक गया, ठीक है, WHO ने ये कहा है कि इसके एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को आप देखें, आप इसकी ये देखें कि लोगों को इजीली सस्ते रेट पे मिल जाए, इसको लेना आसान हो। WHO ने तो नॉर्मल बातें करी है जो वो करता रहता है, आजकल WHO की ज्यादा खासा वैल्यू बची नहीं है हमारे आगे। नेक्स्ट, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ठीक है, ये एक रैंक देता है, ये एक रैंक देता है, ये बताता है कि कौन कौन से राज्यों में बिजनेस करना आसान है, कौन कौन से राज्यों में बिजनेस करना आसान नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर ने अभी इसे लॉन्च किया, ये चौथी मीटिंग हमारी लॉन्च हुई है, कौन सी, चौथी मीटिंग लॉन्च हुई है। ये क्या करता है, स्टेट को रैंक करता है किस हिसाब से कि वो बिजनेस रिफॉर्म अपने यहाँ कितने ला रहा है, यानी कि दिल्ली है, क्या दिल्ली ने पिछले 10 साल में कुछ ऐसा किया है कि इसके यहाँ बिजनेस प्रमोट हो, क्या महाराष्ट्र है, क्या इसने अपने यहाँ 10 साल से कुछ ऐसा किया कि बिजनेस प्रमोट हो, क्या यूपी है, झारखंड है, ऐसे हमें याद रखना है, तो ये यही बताता है। तो अभी तक 3 रिपोर्ट्स आई हैं, एक 2015 में, एक 16 में, एक 17-18 की, और एक जब ये आने वाली है 2019 की, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कंडक्ट, इस एक्सरसाइज को कौन कंडक्ट कराता है, DPIIT, ठीक है, सारे स्टेट, सारे राज्यों में और सारे यूनियन टेरिटरीज में ये कराएगा। ये देखेगा कि किस राज्य में इतनी क्षमता है कि वो अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। देखो होता क्या है, होता क्या, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं गया दिल्ली में, मेरे को एक बिजनेस खोलना है, तो यहाँ पे एक बाबूजी बैठे हैं, मैंने कहा बाबूजी मेरे को ये जमीन लेके जमीन पे एक फैक्ट्री लगानी है। अब ये बाबूजी मेरे को कहेंगे तुम कल ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना, और 10 बंदों के सिग्नेचर लेकर आना, ये इन्होंने मेरे को काम दिया, मैं निकल गया इस काम को, इस काम को करने में मेरे को 10 महीने लगते हैं, 10 महीने। अब 10 महीने बाद में वापस इस बाबू पे आऊंगा, आप बताओ क्या इतनी मेहनत के बाद मैं दिल्ली में बिजनेस करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। इसीलिए सिंगल विंडो सिस्टम, ये आपको याद रखना है, ये आपको हर जगह मिलेगा जब भी इकोनॉमी या बिजनेस की या गवर्नमेंट्स की बात है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, मेरे को बिजनेस करना है दिल्ली में, मैं दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलूंगा, वहां एक लेटर डालूंगा, एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालूंगा कि सर मेरे को ऐसे ऐसे बिजनेस खोलना है, तो आप मेरे को अप्रूव करो, वहां गवर्नमेंट मुझे 15 दिन के अंदर अप्रूव करके दे देगी, ये बेटर है ना। तो यही देखा जा रहा है कि कौन कौन से राज्यों में ये सारी चीजें हो गई हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिलती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, लेबर, लेबर सस्ती मिलती है, क्या लेबर की अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीजें है या नहीं है। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि लेबर की बात करूं तो लेबर तो बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, लेकिन फैक्ट्रीज फिर भी इन तीनों जगह पे नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है, यूपी बिहार में सिंगल विंडो सिस्टम इंफॉर्मेशन की अभी कमी है, इसीलिए लेबर होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है, और यही एक कारण है कि यहाँ के लेबर को काम करने दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु जैसी जगहों पे जाना पड़ता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह ये सारी चीजें देखी जाएंगी किस तरीके से होती है। नेक्स्ट, अब देखो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर में से कैसे पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, न्यूज़पेपर में यह था एक्सपेंशन ऑफ काजीरंगा पार्क, न्यूज़पेपर में क्या है, काजीरंगा पार्क को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अब मैं उस पे क्यों एक आर्टिकल पढ़ूं, मैं क्या करूंगा, मैं काजीरंगा नेशनल पार्क को पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, मैं ये देखूंगा ये पार्क कहाँ पर है, ये असम में है, ठीक है, कब बनाया गया था, 1974 में बनाया गया था, टाइगर रिजर्व है, हाँ जी है, कब से, 2007 से, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, हाँ है, क्या असम में और भी कोई पार्क है, हाँ है ना, डिब्रू सैखोव है और मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी ओरांग पार्क है, ये सारे भी हमारे असम में है, यानी कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करी। और देखो क्या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बिल्कुल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने वहां पे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर रखा है, यानी कि वहां पे चिड़िया भी है, यहाँ पे पूरे विश्व के सबसे ज्यादा वन होल्ड यानी कि एक सींग वाले गेंडे भी हैं, द पार्क इज द होम ऑफ, इस पार्क में सबसे ज्यादा हमें पॉपुलेशन के हाथी, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वाम्प डियर, ये सब मिलते हैं। सबसे ज्यादा फोकस काजीरंगा पार्क में किन पे किया जाता है, बिग फोर स्पीशीज पे, यानी बड़ी बड़ी चार स्पीशीज पे किया जाता है, जो कि कौन सी है, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो। काजीरंगा कौन सी नदी के ऊपर है, भाई ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, कौन से हाईवे के ऊपर है, 37 हाईवे के ऊपर है, यानी कि मैंने काजीरंगा सिर्फ न्यूज में आया था,
काजीरंगा को बढ़ाया जा रहा है। मैंने उसे ना पढ़ के मैंने पूरा काजीरंगा पढ़ लिया, यानी कि मेरा टॉपिक यहाँ से ऐसे कंप्लीट होता है। यानी कि न्यूज़पेपर को भी किस तरीके से पढ़ना, अगर आपको नहीं पता तो आप न्यूज़पेपर पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाएंगे लेकिन यूपीएससी का आंसर नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या, ये भैया जानी जाती है। अब देखो ये भी न्यूज में थी, ये न्यूज में क्यों थी, ईरान ने एक लेटर लिखा है इसे। अब भैया ईरान ने लेटर लिखा है, मैं क्या करूं, ईरान तो बहुत कुछ कर रहा है, अब मैं सिर्फ इस बॉडी को रिवाइज करूंगा। ये क्या है, इसे कहा जाता है एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि एटम बॉम्ब को पीस और डेवलपमेंट के लिए यूज करा जाए, नेगेटिव तौर पे नहीं। यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है, ठीक है, 1957 यानी कि 1957 में बनाया था। ओके, बोथ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों को रिपोर्ट देता है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल को भी और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वैना ऑस्ट्रिया, ठीक है। और क्या चीज है, इसके काम क्या क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ये वर्ल्ड का सेंट्रल, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसे देख लेते हैं। इसका जो मेन टारगेट है वो है सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, प्रमोट करेगा सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये कहता है न्यूक्लियर अपने देश में रखना खतरा नहीं है लेकिन उसका सही यूज करो, न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो ठीक है, ठीक है, कोई नई रिसर्च कर रहे हो ठीक है, बॉम्ब वॉम्ब मत बनाओ। इसके कितने मेंबर है, 171, भारत इसका मेंबर है 1957 से। देखो एक चीज याद रखना कि जिस भी बॉडी में, यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर 15 से ज्यादा होंगे, 15 से ज्यादा होंगे, वहां पर आप उन सारे नामों को याद करेंगे कि कौन कौन से देश इसमें हैं। लेकिन जहां पर 15 से नाम ज्यादा है, इसमें 171 है, इन्हें याद करना है, आंसर इज नो, नहीं याद करना, यानी कि हम केवल उन्हीं नामों को याद करेंगे जो कि हमारी लिमिट में है। लाइक एशियान 10 मेंबर्स है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। G8, G7 जो भी है, ठीक है ना, इन कंट्रीज को याद रखेंगे। क्वाड 4 देश है, ऐसे देशों के नाम हमें याद पता होने चाहिए। नेक्स्ट, बैक टू विलेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पंचायत वाले टॉपिक से, हमारे डिसेंट्रलाइज वाले टॉपिक से, यानी कि G2 से, हमारे GS2 के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट। बैक टू विलेज प्रोग्राम क्या है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने चलाया, ठीक है। इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि लोग, यानी कि लोग, उस राज्य के लोग और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो उस गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये सब साथ मिलके एक मिशन पे जाएं कि हम डेवलपमेंट करेंगे अपने राज्य का। बहुत अच्छी चीज है ये, हम पंचायतों को शक्ति प्रदान करें, पंचायतों को, यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का ये मानना है कि पंचायत अगर सशक्त होंगी, पंचायत अगर विकास करेंगी तो पूरा देश विकास करेगा, जैसे गांधी जी मानते थे कि पंचायतों का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट एफर्ट इन द रूरल एरियाज, डायरेक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द रूरल एरियाज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, यानी कि पूरे समाज की उसमें हमें भागीदारी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसे 3 फेज में डाउन किया गया, अभी जो न्यूज में है वो तीसरा फेज ही है, ये 2 फेज हो चुके हैं, फेज हमें नहीं पढ़ने हैं, फिर भी बता देता हूँ। पहले फेज में क्या है कि लोगों के गुस्से, लोगों की शिकायतें और उनकी मांगों को हमें समझना है। दूसरी चीज में हमें देखना है कि पंचायत की पावर किस तरीके से है इन मांगों को समझने के लिए। तीसरा कि किस तरीके से पंचायत इन्हें सॉल्व करेगी, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा खास नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर, एक तो जम्मू कश्मीर का जहाँ नाम है वो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, ईच गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिस मतलब एक तरीके के IAS ऑफिसर, उन्हें एक एक ग्राम पंचायत असाइन करी जाएगी कि आप इस ग्राम पंचायत को संभालो, आप इस ग्राम पंचायत को संभालो, और वो क्या करेंगे, वो वहां जाके उनसे मिलेंगे, पंचायतों को बताएंगे कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपको किस तरीके से डेवलप करना है, यानी कि सोसाइटी में डेवलप करने के लिए IAS ऑफिसर जैसे पढ़े लिखे लोग पंचायत के साथ मिलकर वर्क करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप किसी भी आंसर में दोगे तो अच्छा लगेगा, लाइक GS2 के, यानी कि फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज, जब भी आप इसका एग्जाम्पल दोगे एग्जामिनर खुश होगा उससे, जैसे मुकैम्बो खुश होता है वैसे एग्जामिनर खुश होगा। आई नो जितों को लग रहा है क्लास बड़ी हो गई है, जरा यार ये सोचो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स निपटा रहे हैं, तुम रोज भी अगर कोई यूट्यूब वीडियो सुन लोगे तो 1-1.5 घंटे की होगी करंट्स की, पूरे हफ्ते के करंट्स एक साथ निपटा दिए, और क्या चाहिए, ठीक है ना, और क्या चाहिए। नेशनल बैम्बू मिशन, ये बम्बू मिशन क्या है, नेशनल बैम्बू मिशन, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2018 में। ये क्या है, ये 2018-19 में बनाया गया था, इसका लक्ष्य क्या है, किसानों को बाम्बू, जो लोग बाम्बू उगाते हैं, बाम्बू को बनाते हैं, उगाते कह रहा हूँ,
जो इसमें वर्क करते हैं, मिला जुला काम करते हैं, उसे एक साथ लाके उनका डेवलपमेंट करना, किस तरीके से। इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर कंप्लीट वैल्यू चेन, एक चेन बनाई जाए बैम्बू सेक्टर की, जितने भी लोग बैम्बू सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी, ठीक है, और इम्प्लीमेंट किया जाए एक तरीके से हब, एक तरीके से इंडस्ट्री में। देखो होता क्या, जैसे एक बंबू वाला है यहाँ पे, उस बेचारे को पता ही नहीं है इसे लेके कहाँ जाऊं, तो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है। इसे कनेक्ट करेंगे सरकार, किससे कनेक्ट करेगी सरकार, इसे कनेक्ट करेगी उस एरिया के लोकल डीलर से जिसे बंबू की जरूरत है, तो सरकार ये सारी मदद करने में उसकी मदद करेगी। इससे क्या होगा, जो हमारा ये वोकल फॉर लोकल है, जो मेरी फोटो के पीछे छुप रहा है, वोकल फॉर लोकल, जो कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली बोला था, ये लक्ष्य भी पूरा होता है। मेरे को पता है अभी ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, इसके अंदर मैं और जा रहा हूँ। है क्या इसका काम है, एम क्या है इसका, कनेक्ट करना किसानों को मार्केट के साथ, यानी कि हमारे किसानों को पता ही नहीं है चीज बेचनी कहाँ है, जिसके वजह से क्या होता है, जो बीच के दलाल होते हैं, जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं, ये चीजों को खा जाते हैं। तो ये चीजें हैं, यानी कि इनेबल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स टू गेट रेडी मार्केट, इनके लिए एक बनी बनाई मार्केट तैयार कर दे, ठीक है, बैम्बू ग्रैंड, और इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल्स इन द डोमेस्टिक से। और जब क्या होगा, ये लोग प्रॉपरली सप्लाई कर पाएंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी तो इंप्रूव करेगी, ठीक है। किसके अंडर में है, क्या है, द सेक्टर स्किल काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। फोकस क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो पुराने जमाने से इस काम में लगे हुए हैं, उन्हें शहरों तक लाया जाए। ट्राइब्स में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास एक से एक टैलेंट है, लेकिन वो शहरों से दूर हैं, तो उन्हें शहरों तक लाया जाए ताकि वो कुछ बड़ा, कुछ अच्छा कर सके। ओके, ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये न्यूज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे डालने का एक साधारण सा कारण था, इसे डालने का एक कारण था कि कहीं बच्चों को ये ना लगे कोई चीज रह गई है, ठीक है ना। कल को कहेगा सर ये वाला मैंने पढ़ा था हिंदू में, आपने नहीं डाला, मैंने डाला है, लेकिन मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे मैं क्या बता सकता हूँ, इस पर क्या क्या चीजें हम याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स यूज करें, इंडेक्स 2.0 है क्या। ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है, एक तरीके से कि बैंकिंग के लिए क्या क्या बेहतरीन किया जा सकता है, बैंकिंग को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, तो इसका 2.0 यानी कि दूसरा वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या है, क्या टारगेट है, इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्सेस है, बैंक लोगों तक पहुंचे और सर्विस इंप्रूव हो, जैसे आप अपने घर बैठे बैठे फोन से पैसे भेज दें, बैंकिंग क्रेडिट कार्ड ये सब मैनेज कर लें, इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है। 2.0 और ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है 1.0 के मुकाबले। ओके, मैं थोड़ा थक गया हूँ, ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ, बट हमारा कंटेंट खत्म होने वाला है, ठीक है। ओके, दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका टारगेट क्या है, ये आप कहीं भी सेट कर सकते हो, ये टारगेट को आप कहीं भी सेट कर सकते हो। इसके 6 थीम्स है, लाइक रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, एक ऐसी बैंकिंग बनाना जहां लोगों को विश्वास हो आपके ऊपर, आपका बैंक डूबेगा नहीं, आपके बैंक में चोरी नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होगी। अरे बाप रे, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो है। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कस्टमर के लिए आप ज्यादा उनके लिए करें, उनके लिए बेहतरीन करें, कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्रेडिट की सिचुएशन हो। उद्यमित्री, जो उद्यमित्री स्कीम है, उद्यमित्रा सॉरी, MSME स्कीम है, इसके बारे में मैं अलग से एक स्लाइड आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डेप्थ स्टडी कर नहीं पाया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है भैया, फाइनेंशियल इंक्लूजन है हमारा कि समाज के हर तत्वे को लोग बैंक में आए, हर तत्वे के लोग बैंक में आए। कैसे भैया, वो बैंक में तब आएंगे ना, जैसे ये गरीब आदमी है, इसके पास अपना मकान तक तो है नहीं, बैंक से लोन देता ही नहीं है, तो ये किसी साहूकार से लेता है, किसी पावरफुल पैसे वाले से लेता है, ये उसे बेचारा पीटता रहता है, दबाता रहता है। लेकिन यदि बैंक इस तक आ जाए और बैंक इसके लिए इजी इजी रास्ते निकाले, तो ये सारी चीजें हमारी सॉल्व हो सकती है। डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल करो, ये सारी चीजें बेहतर होंगी, और गवर्नेंस अच्छी करो, यानी कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसे अच्छा करो। थैंक यू सो मच बाहुबली, लव यू, बाहुबली का फैन हो गया मैं। ओके, ये आज की हमारी लास्ट रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। क्या है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2020 आई है, किसने रिलीज करी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। मेरे पता है, साथ में इधर स्क्रीन चल रही है जो कि बता रही है बैटरी लो है, लैपटॉप बता रहा है बैटरी लो है। ओके, हर 2 साल में होती है, 1998 से हो रही है। ये हमें इकोलॉजिकल के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, जैसे क्या क्या है जरा देख लेते हैं। ये है,
इन्हें आप इस रिपोर्ट को अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे ये रिपोर्ट हमारी कहती है कि हमारे रिडक्शन हुआ है, कमी आई है 68% तक की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। 75% जो हमारा आइस फ्री लैंड है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, या उसे तोड़ दिया गया है, अल्टर किया गया है। ओशियंस बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गए हैं। 85% जो हमारा वेटलैंड्स है वो खत्म हो गया। वेटलैंड्स क्या होता है? वो एरिया जो जमीन और पानी के बीच में होता है, मिलता हुआ एरिया। जो हमारी बायोडायवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा असर हमें कहाँ देखने को मिला है? सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिला है यूरोप में और सेंट्रल एशिया में। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फ्रेश वाटर का हमारा नुकसान हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का लॉस हो रहा है, ये सारे सिंपल से पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। यानी कि हमने 1.25 घंटे में पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स खत्म कर दिए। अब मैं आपसे ओपनली कह सकता हूं, आप जाएं न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे चाहे कोई मैगजीन पढ़ें, चाहे कोई वीडियो सुने, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि साहिल सर ने पूरा कंटेंट एक बार में कवर कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड दिस इज माई रेफरल कोड, इसे यूज करना ना भूलें। एंड अकेडमी पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भाई मेरे नाम से ले लेना, थोड़ा फायदा फायदा सब कमाए। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट रहूंगा अगर आप मेरे नाम से लेंगे, तो ये बेनिफिट आप लोगों के साथ होगा। एंड बस अब आज रेस्ट करते हैं, तुम भी रेस्ट करो, अपन भी रेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जितने भी लोग भाई मेरे साथ लाइव बने रहे। करंट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें धीरे धीरे जिन लोगों को एहसास हो चुका है तुम्हें विद इन 1 मंथ पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल कहाँ है, और जिन्हें एहसास नहीं हुआ है तो भैया उन्हें एहसास दिलाओ कि बेटा पढ़ो। क्या कन्फ्यूजन है बाहुबली? ओके, कल का एक अनाउंसमेंट बता दूं, कल मैं आप लोगों के साथ 2 बार आऊंगा यूट्यूब पे। यानी कि एक बार मैं आऊंगा दोपहर में 12 बजे, जब मैं आपको हिंदू एडिटोरियल पढ़ाऊंगा। हिंदू एडिटोरियल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हिंदू के एडिटोरियल्स में क्या है। इसमें हम मेंस और इंटरव्यू को फोकस करेंगे सिर्फ। और फिर मैं आपके साथ शाम को आऊंगा 7 बजे। आज 6 बजे आया हूँ, कल शाम को 7 बजे आऊंगा आपके साथ, जहां पे हम हिस्ट्री सोसाइटी जो बड़े बड़े टॉपिक्स करते हैं वही करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो बाय लेते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे को देते हैं, जितना मेरे को सपोर्ट करते हैं। बाहुबली एवरी डे जो न्यूज़पेपर है वो हम एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। न्यूज आप रेगुलर मत पढ़ो, एडिटोरियल्स रेगुलर पढ़ो, और वीकली ये करंट्स को 2-3 बार रिवाइज करो तो बात बन जाएगी। तो रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ के भी अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो वेस्ट ही है ना। तो यहाँ बने बनाए नोट्स ऐसे 2-3 बार पढ़ो, काम खत्म। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको जरूरत नहीं है, आपको बस उस मेहनत को अच्छे से यूज करने की जरूरत है। तो मेरी मेहनत को आप यूज करो, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है गाइस। सो बाय।